जमुना एक्सप्रेस के लिए वेपर लाइन स्टोन के लिए 133 पर तेज रफ्तार इनोवा कार ने वह 14 वर्षीय पूनम और वह 15 वर्षीय कॉलोनी निवासी वह गौरसली के लिए रद्द दिया है और वही पर वह दोनों के मौके पर ही मौत हो गई है। वही पर टक्कर इतनी भयानक थी कि वह युवती को कार ने ऊपर से नीचे फेंक दिया है और दोनों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने गाड़ी चालक को पकड़ लिया है और घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चालक ने भी गाड़ी की हिरासत के ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार के आगरा के दिल्ली की तरफ जा रही थी कि अभी अचानक जमुना एक्सप्रेस के लिए माइलस्टोन में से 133 पर इनोवा कार के सड़क पर वह कर रही थी, दो लड़कियों को टक्कर मार दिया और जिसके दोनों की मौके पर मौत हो गई है और पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। 5 बजे जी यमुना एक्सप्रेस वे आगरा की तरफ 133 किलोमीटर पर एक बीट कार से जो है दो लड़कियों की टक्कर लगने से मृत्यु हो गई है। दोनों लड़कियां यहाँ पे जो है बकरी एक्सप्रेस वे किनारे बकरी चला रही थी, इसी कारण से ऊपर आ गई थी। जो है दोनों की उम्र लगभग 14-15 साल है। पंचनामा पोस्टमार्टम कराई की जा रही है और जैसे जो भी ड्राइवर और गाड़ी दोनों कब्जे में, पुलिस के कब्जे में जो है, जो भी तारीफ प्राप्त होगी और सब कार्रवाई की जाएगी। तो सर कितनी उम्र लगभग बताई जा रही है जिनकी? बच्चों को मतलब 14-15 साल है दोनों बच्चों की। 14-15 साल की। न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन